जापान की राजधानी टोक्यो में पैरालंपिक की शुरुआत हो गई है और यह 13 दिनों तक चलेगा, जिसमें 22 खेलों में कुल 539 इवेंट होंगे। तो दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक 2020 के बाद में पैरालंपिक की शुरुआत हो गई है और इस खेल महाकुंभ में यह 13 दिनों तक यानी कि 13 डेज तक चलेगी, जिसमें 22 खेल्स हैं और इसमें 539 यानी 539 इवेंट होंगे। और यहाँ पर जितने भी पैरालंपिक खिलाड़ी हैं वे लोग अपना जौहर दिखाएंगे। भारतीय टीम भी इसमें शामिल हुई है। तो इस बार की जो थीम है वह है हमारे पास भी पंख है। तो इस बार टोक्यो पैरालंपिक की जो थीम है वह है हमारे पास भी पंख है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम भारतीय पैरालंपिक टीम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ इस चीज़ को देखते हैं। तो भारतीय पैरालंपिक टीम के ध्वज वाहक रहे टेक चंद। तो ये जो ध्वज वाहक रहे ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका नाम है टेक चंद, जिन्होंने तिरंगा थाम कर खेल ग्राउंड में मार्च किया। बाकी भारतीय सदस्य उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो ध्वज वाहक जो रहे उनका नाम है टेक चंद और इन्होंने ही तिरंगे झंडे को पकड़ करके खेल ग्राउंड में मार्च पास्ट किया और बाकी के सदस्य जो थे वे लोग इनके पीछे पीछे चल रहे थे। दोस्तों, निर्धारित ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु के कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद टेक चंद ने ध्वजवाहक की जिम्मेदारी संभाली। मतलब यहाँ पर है कि मरियप्पन थंगावेलु को ध्वजवाहक के रूप में पहले ही डिसाइड कर लिया गया था, निर्धारित किया गया था कि यही होंगे पैरालंपिक में भारतीय ध्वजवाहक। लेकिन मरियप्पन थंगावेलु के कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद टेक चंद ने ही ध्वजवाहक की जिम्मेदारी संभाली। तो ये बहुत ज़्यादा दोनों इम्पोर्टेंट है। पहले जो थे मरियप्पन थंगावेलु लेकिन बाद में बने टेक चंद। तो ये दोनों जानकारी को याद रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है इस बार की जो थीम है उसको, टोक्यो में दूसरी बार पैरालंपिक गेम्स आयोजित हो रहा है। इससे पहले 1964 में मेजबानी यह कर चुका है। तो टोक्यो में यह दूसरी बार है जब पैरालंपिक गेम्स आयोजित हो रहा है। इससे पहले 1964 में टोक्यो मेजबानी कर चुका है पैरालंपिक गेम्स की। अगले करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं तो यह है जो खुशखबरी है, उपलब्धि है, भारत जो है दुनिया का दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब बना। तो दूसरा दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बना और भारत ने अमेरिका को पछाड़ करके यह स्थान हासिल किया है। तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत ने अमेरिका को पछाड़ करके यह स्थान हासिल किया है और अभी दुनिया में दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चरिंग हब बना। पहले नंबर पर चाइना है, चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर अमेरिका और चौथे नंबर पर कनाडा है। तो आपको ये चारों नामों को याद रखना, चारों देशों के नामों को। तो पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर अमेरिका और चौथे नंबर पर कनाडा है। तो दुनिया का दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया भारत। तीसरे अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए बचाव अभियान जोर शोर से जारी है। तो दोस्तों, अभी अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है वहाँ के लोगों के लिए, परेशानी हो रही है क्योंकि वहाँ पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तो तालिबान के कब्जा होने के बाद से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार अभियान चला रही है और इसमें जो है जोर शोर से बचाव अभियान चल रहा है। तो इस अभियान के तहत सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और निकाला भी जा रहा है। अभी जितने भी वहाँ पर बचे हुए भारतीय नागरिक हैं तो उनको सुरक्षित निकाला जा चुका है और सुरक्षित निकाला भी जा रहा है। तो भारत सरकार की ओर से इस बचाव अभियान का नाम दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति है इस अभियान का नाम, जिस पर अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है। इसी कारण से वहाँ पे जो उथल पुथल मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, तो वहाँ से इन लोगों को यानी कि भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। तो इस जो अभियान का नाम है वह है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो आपको इतनी सारी जानकारी को ध्यान रखना है। ऑपरेशन देवी शक्ति का रिलेशन जो बन रहा है वह है अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए बचाव अभियान का नाम। इसके अलावा में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भारत दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब बना पूरी दुनिया में और टोक्यो पैरालंपिक में जो भारतीय ध्वजवाहक रहे उनका नाम है टेक चंद। तो इतनी सारी जानकारी को आपको करंट अफेयर्स के रूप में याद करना है क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं लगातार।